Hello students, how are you all? Welcome to online classes. Chapter first है हमारा rational numbers. Rational number क्या होते हैं? Basic class में हम लोग discuss कर चुके हैं, but थोड़ा सा आपको भी बता देते हैं क्या होते हैं rational numbers. The numbers which can be written in the form of p by q यानी कि जो fraction की form में अपने write कर सकते हैं. Where p and q are integers. Integer अपनों ने seventh class में discuss किया है. Integers क्या होते हैं? एंड यहाँ पे कंडीशन होती है कि q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मीन्स डिवाइड में कभी भी जीरो नहीं आएगा. ठीक है, इस तरीके से ये हमारे क्या है, रैशनल नंबर्स है. कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, ये हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं. देखो, अब उसके बाद चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे. रैशनल नंबर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी होती है वो देखो, मैं वन बाय वन डिस्कस करती हूँ. प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? देखो, जो अपने प्रॉपर्टीज यहाँ पे स्टडी करेंगे वो हमारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए प्रॉपर्टीज यूज होंगी. हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज होती है, वो अपने डिस्कस कर रहे हैं. देखो, फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी. पहले एडिशन के लिए क्या होती है, ये द सम ऑफ एनी टू नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. कि कोई भी हमारे पास टू रैशनल नंबर है, अगर अपने उनका सम करेंगे, एडिशन करेंगे, तो हमेशा क्या होगा, वो एक रैशनल नंबर ही हमें मिलेगा. ये देखो, यहाँ पे एग्जांपल आपको बताया हुआ है. ये हमारे पास थ्री बाय फोर और फाइव बाय थ्री, हमारे पास टू क्या है, रैशनल नंबर है. जो अपने इसको सॉल्व करते हैं तो जो अपना आंसर आता है वो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है. ओके, रैशनल नंबर है. जो अपने इसको सॉल्व करते हैं तो जो अपना आंसर आता है वो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है. ओके, उसके बाद देखो इसका सेकेंड, सब्ट्रैक्शन. उसी तरीके से द सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू नंबर इज ऑलवेज, अगर अपने टू रैशनल नंबर्स का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो वो भी हमेशा क्या होगा, रैशनल नंबर ही हमें मिलेगा. ओके, दस रैशनल नंबर्स आर क्लोजर अंडर. अगर हमें उसका सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर मिलता है तो अपने कहेंगे कि वो जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्या है, अंडर क्लोज सब्ट्रैक्शन है. नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन, सेम, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल नंबर. दस मतलब जो प्रोडक्ट है वो एनी टू रैशनल नंबर्स का, वो हमारे पास क्या होगा, वो भी एक रैशनल नंबर ही मिलेगा. दस अपने कह सकते हैं रैशनल नंबर्स आर क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन. इसका एग्जांपल है ये. नेक्स्ट डिवीजन के लिए देखो, डिवीजन के लिए इट इज नॉट कंपलसरी दैट डिवीजन ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर. डिवीजन के लिए जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि किन्हीं भी टू रैशनल नंबर का जो डिवीजन है वो एक रैशनल नंबर ही हमें मिले. देखो एग्जांपल देखो इसकी, जैसे ये हमारे पास टू रैशनल नंबर थे, जब अपने इनको क्या किया, डिवाइड किया. आपको पता है ये कैसे करते हैं, डिवाइड का साइन हटाने के बाद अपने यहाँ मल्टीप्लाई लगाते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं सेकंड का. तो यहाँ पे आंसर जो आया वो क्या आ गया, रैशनल नंबर. सेकंड देखो, जीरो को डिवाइड किया वन बाय टू से, एंड जीरो जीरो इज द रैशनल नंबर ऑल्सो, अपने को पता है. बट यहाँ पे देखो, फाइव को जब अपने जीरो से डिवाइड करते हैं तो वन बाय जीरो, इसका रेसिप्रोकल वन बाय जीरो, जो कि डिफाइन नहीं है. तो 5 बाय 0 ये भी डिफाइन नहीं है, तो इट इज नॉट अ रैशनल नंबर. सो डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टीज जो है वो यूज नहीं होती. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में? देखो, इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर, सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रिमेन द सेम. हमारे पास टू रैशनल नंबर है, उनका अपने सम कर रहे हैं, अगर अपने उनका ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे हमारे पास टू रैशनल नंबर है ए एंड बी, तो ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, तो आंसर उसका क्या आएगा, सेम आएगा. अगर ऐसा है तो अपने बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो रही है, यूज हो रही है. नेक्स्ट सेकंड, सब्ट्रैक्शन के लिए. सब्ट्रैक्शन के लिए जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, ये यहाँ पे नहीं यूज होती. देखो, ए माइनस बी करेंगे उसका आंसर अलग आएगा और बी माइनस ए अलग आएगा. ठीक है, ये देखो आपको एग्जाम्पल भी गिवन है, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है. नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन के लिए. मल्टीप्लीकेशन के लिए जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन होती है. बिकॉज अगर अपने ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से और बी को ए से करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा. मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के लिए ये क्या होते हैं, यूज होती है. ये देखो, इन दोनों का क्या किया, मल्टीप्लाई किया, दोनों में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. नेक्स्ट डिविजन के लिए देखो, डिविजन के लिए ये डिविजन के लिए यूज नहीं होती. ए को डिवाइड करते हैं बी से, बी को डिवाइड करेंगे ए से, आपको पता ही है ये इक्वल नहीं होगा कभी भी. तो रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन. देखो इसको डिवाइड करके देखो, ये एग्जांपल्स आपके, सेवन बाय थ्री को डिवाइड किया इतना आया, अब इसको चेंज कर दो
इसको इससे डिवाइड करेंगे ऐसे आपको पता ही है ये इक्वल नहीं होगा कभी भी, तो रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। देखो इसको डिवाइड करके देखो, ये एग्जांपल से आपके 7/3 को डिवाइड किया 30 इतना आया, अब इसको चेंज कर दो, इसको इससे डिवाइड करो तो इसका आंसर क्या आया, अलग आया, तो ये इसको इसका अलग आ रहा है, ठीक है, तो ये अंडर कम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव थर्ड प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले एडिशन के लिए चेक करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 रैशनल नंबर्स लेने होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास ये देखो, ये आपको यहां से देखो ए बी और सी, अपने क्या करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो यहां पे बी प्लस सी को पहले ब्रैकेट में रखो और यहां पे क्या करोगे ए प्लस बी को ब्रैकेट में प्लस सी करोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों को क्या करना है ऐड ही करना है, तो इजी ये हो जाएगा। देखो इसमें एग्जांपल देखो, ये इस तरीके से हमारे पास है 5/4 माइनस, ये इसको यहाँ पे किया और इसमें क्या किया अपनों ने माइनस, इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को अपनों ने ब्रैकेट में राइट किया, इसमें सेकंड और थर्ड को किया, जब अपने इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों का आंसर क्या आता है सेम आता है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए ये आपका जो है वो एसोसिएटिव नहीं होता, ए माइनस बी माइनस सी करोगे तो ए माइनस बी माइनस सी, सब्ट्रैक्शन के लिए इसकी एग्जांपल आप खुद कर सकते हो, तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए ये एसोसिएटिव नहीं है। मल्टीप्लीकेशन के लिए एसोसिएटिव है, कोई भी 3 नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा क्या आएगा, चाहे ऑर्डर चेंज कर दो तब भी क्या आएगा सेम ही आएगा, और डिवीजन के लिए एसोसिएटिव नहीं है, ए को डिवाइड करोगे बी डिवाइड सी, तो जब इसको करोगे तो इनका आंसर क्या आएगा अलग आएगा। देखो तो रोल ऑफ जीरो, जीरो का क्या रोल होता है आपको सबको पता ही है, अगर अपने किसी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरीके से इसमें भी देखो 2+0 किया या 0+2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 2 ही आएगा, और रैशनल नंबर की अगर अपने बात करें तो 2/3+0 0+2/3 ये भी हमेशा क्या आ रहा है 2/3 आ रहा है। सो व्हेन जीरो इज एडेड विद एनी नंबर देन रिजल्टेंट इज द सेम नंबर, रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा, ओके। सो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे जीरो जो होता है वो क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट देखो तो रोल ऑफ वन, वन का रोल क्या होता है, तो यहाँ पे देखो वन को अगर अपने किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो होता है वो अपना एडिशन के लिए होता है और जो वन होता है वो किसके लिए होता है आपका मल्टीप्लीकेशन के लिए। सो देखो 2 × 1, 1 × 2 इज इक्वल टू 2 एंड फॉर रैशनल नंबर 2/3 × 1, 1 × 2/3 इज इक्वल टू 2/3, ओके। तो आंसर क्या आ रहा है आपका सेम ही आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है जिसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। इफ एनी रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 1 देन प्रोडक्ट इज द सेम एज अ रैशनल नंबर, जिस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 को तो आंसर भी क्या आएगा सेम रैशनल नंबर आएगा, एंड 1 इज कॉल्ड हियर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, लुक व्हेन द सम ऑफ 2 नंबर इज 0, कोई भी हमारे पास 2 रैशनल नंबर लो आप, अगर उनका सम जीरो आ रहा है देन दीज 2 नंबर्स आर एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर, फॉर एग्जांपल -1 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 एंड 1 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, फॉर एग्जांपल -1 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 एंड 1 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -1, 1 और -1 को ऐड कर दो तो क्या आएगा आंसर जीरो आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1/3 एंड -1/3 दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा जीरो आएगा, मींस जब अपने 2 नंबर्स को ऐड करेंगे उनका सम जो आएगा जीरो आएगा, तो दोनों क्या होंगे एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज 1, जब 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हमेशा 1 हो देन दीज 2 नंबर्स आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स टू ईच अदर, तो दोनों क्या होंगे एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होंगे। देखो 4/3 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/4, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो किस इसका आंसर क्या आएगा, देखो 4/3 × 3/4 इसको करोगे तो 4 कैंसिल 3 भी कैंसिल, आंसर कितना आया 1। सो ये दोनों एक दूसरे के क्या है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ओके। उसके बाद हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे किसके मल्टीप्लीकेशन है ओवर एडिशन, ये क्या होता है देखो, जैसे अपने इस तरीके से ऐड करते हैं ब्रैकेट में b+c है, हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स है a b c,
तो अगर अपने क्या करते हैं, b प्लस सी करते हैं ब्रैकेट में और उसको a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो पहले क्या करोगे, इसको a इंटू बी, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं अपने, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी कि ये बाहर वाला जो अपना a है इसको अपने अंदर वालों के साथ क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले b से फिर a, c से। नेक्स्ट इसकी सब्ट्रैक्शन के लिए भी होती है, तो बस आपको साइन चेंज करना है इसके लिए। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आप अपने सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, फाइंड करना अपने को क्वेश्चन। देखो फर्स्ट देखो, माइनस 2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6, ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है, इसमें अपने को प्रॉपर्टी यूज करनी है। देखो फर्स्ट फर्स्ट और थर्ड में अपने पास 3/5 कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से क्या किया, कॉमन इसको लिख लिया। तो ये किससे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो आगे अपने इसको जब सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2/5 इंटू माइनस 3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, यहाँ पे 2/5 है इस वाले में, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसको यू राइट कर लिया करो आप, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा अलग अलग हो जाएगा। ये तो ये देखो इन दोनों में से 2/5 कॉमन आ रहा है, तो अपने ने यहाँ पे राइट कर लिया, ये a इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो जब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इजी है। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स क्या थे बताया था ना आपको, इफ द सम ऑफ एनी टू नंबर्स इज जीरो देन दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो अपने पास कुछ क्वेश्चन है, अपने को सिर्फ क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। यहाँ पे 2/8 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -2/8। माइनस 5/9 है, तो माइनस तो पहले से ही है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/9। और इस यहाँ पे देखो -6/-5 है, तो आपको बताया कि अगर दोनों जगह पे क्या हो, माइनस हो, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसका ये क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद करना इसको। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखो, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, तो डायरेक्ट अपने को क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है इसका। ठीक है, तो इसमें साइन चेंज नहीं करना। तो देखो -13 का कितना आएगा, 1/-1/13, इसका क्या आएगा आपका 19/13। बस आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। तो इस तरीके से आपको ये बाकी के जो पार्ट है वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन फोर देखो, वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। अपने को ये वेरिफिकेशन करना है इसका। एक्स की वैल्यू अपने को गिवन है, इसके टू पार्ट्स हैं। देखो फर्स्ट 11/15, तो अपने को क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो अपने क्या करेंगे, एक्स की जगह पे अपने वैल्यू पुट करेंगे कितनी, 11/15। तो यहाँ पे देखो माइनस और -11/15, अपने को पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वापस, 11/15। मीन्स अगर अपने यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई आपके राइट हैंड साइड के। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपको इस तरीके से करना है, हो जाएगा, इजी है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज हो रही है। देखो फर्स्ट है -4/5 इंटू 1 और -1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। तो यहाँ पे देखो 1 यूज हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 से किया, ऑर्डर चेंज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 इज यहाँ पे क्या, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे -13/17 इंटू -2/7, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। थर्ड देखो 19/29, 29/19, इनका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 कब आता है, जब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होते हैं तब आता है। क्वेश्चन सिक्स देखो, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अपने को आंसर फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना है 6/13 को किससे, -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो देखो 6/13 रेसिप्रोकल ऑफ -7 क्या होगा इसका, -16/7। इसका अपने क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, 16 ऊपर चला जाएगा इसका 7 डिवाइड में, तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा -96/91।
क्वेश्चन 7 देखो, कैलवर्ट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एंड 1/3 इंटू, ये आपको करवाया था मैंने, ए इंटू बी इंटू सी एंड ए इंटू बी इंटू सी. कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? एसोसिएटिविटी थी. ठीक है, तो ये आपको सिर्फ प्रॉपर्टी बतानी थी इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखो, इज 8/9 इज अ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8. आपको बताना है कि 8/9 है वो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है. तो अपने कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर 1 आता है तो अपने बोलेंगे कि वो क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है. देखो इसको किया हम अपनों ने, 8/9 इंटू -1/8 इज इक्वल टू 8/9. इसको सॉल्व करेंगे अपने, यहाँ पे 1/8 है तो 9/8 बट माइनस का ये, तो माइनस का ये हमारे पास आ गया -1 विच इज नॉट इक्वल टू 1. सो ये हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखो, इज 0.3 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3. अपने को फाइंड करना है कि 0.3 जो है वो क्या इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है. इसमें अपने चेक करना है, बहुत इजी है ये, जैसे मैंने अभी करवाया उसी तरीके से. इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर 1 आ गया, इसमें यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है. नेक्स्ट देखो, हमारे पास क्वेश्चन है, इनके अपने को आंसर फाइंड करने हैं. द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल. कोई भी आपको ऐसा रैशनल नंबर बताना जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, तो 0 इज अ रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है. सो रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, कौन से होते हैं जो रेसिप्रोकल उनके जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. सो 1 एंड -1 आर द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल. 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा, और -1 का भी क्या होगा, -1 होगा. थर्ड देखो, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, नेगेटिव के इक्वल है. तो 0 इज द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, इसके नेगेटिव के इक्वल है. 0 में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता. ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो 0 ही होगा. ठीक है, रेसिप्रोकल. नेक्स्ट देखो, थर्ड द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. आपको रैशनल नंबर बताना है जो इसके नेगेटिव के इक्वल है. तो 0 इज द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, नेगेटिव के इक्वल ही होता है. ठीक है, 11th क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स. 0 has no reciprocal. The number 1 and -1 are there on reciprocal. The reciprocal of -5 कितना होगा, -1/5. Reciprocal of 1/x कितना होगा, where x is not equal to 0. तो इसका क्या होगा, x होगा reciprocal. ये आपको करवाया हुआ. The product of two rational number is always a rational number होता है. And the reciprocal of positive rational number is positive rational number ही आएगा. Rational, positive rational number का reciprocal हमेशा positive ही आता है. Okay? ये आपके क्वेश्चंस थे. जो आपको होमवर्क के लिए जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप कंप्लीट कर लेना. ओके, थैंक यू.